नमस्कार बच्चे, कैसे हो? अच्छे होगे, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, जेई एडवांस 2020 मैथ्स पेपर सॉल्यूशन, और हमें कुछ दिया हुआ है वेक्टर का क्वेश्चन। तो देखें, ए बार इज इक्वल्स टू क्यू आर वैक्टर क्यू आर, बी बार इज इक्वल्स टू आर पी वैक्टर, एंड सी बार इज इक्वल्स टू पी क्यू वैक्टर, एंड दैट वन इज पार्ट्स ऑफ या तो सेक्टर और सेक्शन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देन पी क्यू आर इज ड्रॉन बाई मी दैट लुक लाइक पी क्यू आर, सो दैट इफ इट इज क्यू बार वैक्टर, if it is r bar vector, and if it is p bar, then p bar plus q bar plus r bar is equals to 0 bar। चलो, हो गया हमारा एक काम। और हमें क्या चाहिए? और हाँ, सॉरी, दैट इज नॉट p q bar, दैट इज a bar and b bar and c bar, so that result should be a bar plus b bar plus c bar is equals to 0 bar। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो दैट वन इज नथिंग बट इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, या तो आप बोल सकते हो एडिशन रूल्स ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर हैड टू टेल रूल्स, जो हमें पता है। चलो, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास एक आइडेंटिटी है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ए बार इंटू सी बार माइनस चाहिए। अब फाइंड करना है ए बार क्रॉस बी बार होल स्क्वायर। अगर आप बात करें कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हमारे पास एक रिजल्ट है। हाँ, हमारे पास ऑलरेडी है ए बार क्रॉस बी बार होल स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। चलो, ये रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पर सॉरी एक माइनस लगेगा और हमारा काम बन जाएगा। मोड ऑफ ए बार तो हमारे पास है दैट वन इज 9 एंड बी बार 16। ए बार क्रॉस बी बार अगर फाइंड करना है तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, जिसका आंसर कुछ लगेगा 108 के जितना। अगर हम ए बार डॉट बी बार होल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं तो हमें ये आंसर 108 जितना होगा। ये 144, तो हमें कुछ आंसर चाहिए। तो चलो आगे बढ़े, और हाँ, माफ करना, ये प्लस ही होगा। चलो, तो ये हो चुका हमारा थीम, यानी कि हम इस क्वेश्चन के बेस पर, इस रूल्स के बेस पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ए बार डॉट सी बार माइनस बी बार, सी बार डॉट ए बार माइनस बी बार। मोड ऑफ ए बार की वैल्यू है मेरे पास 3, और यहां पर 3 प्लस 4 हो गया इज इक्वल्स टू 3/7। चलो, ए बार की वैल्यू यहीं से इनपुट करते। पहला क्वेश्चन के सर कैसे पता चलेगा? यहां से वैल्यू इनपुट करना, क्योंकि मुझे डॉट प्रोडक्शन चाहिए, ए बार डॉट बी बार का डॉट प्रोडक्शन चाहिए, तो मुझे यही करना पड़ेगा। तो मैं वैल्यू इनपुट करता हूं, बी बार सामने की ओर लेके जाएंगे, तो ए बार इज इक्वल्स टू माइनस बी बार प्लस सी बार, और यहां पर सी बार माइनस बी बार, तो माइनस की वजह से उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा बी बार माइनस सी बार। सेम टू सेम हियर वैल्यू ऑफ सी बार, तो ये बी बार प्लस ए बार हो चुका, और यहां पर भी हो जाएगा बी बार प्लस सॉरी बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 3/7। ए प्लस बी ए माइनस बी मोड ऑफ बी बार स्क्वायर मोड ऑफ सी बार स्क्वायर, यहां पर मोड ऑफ b बार स्क्वायर माइनस मोड ऑफ a बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/7। मोड ऑफ b बार की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट वन इज कहां गई हाँ, यहां रही, दैट इज 16, बट नॉट c बार इज प्रेजेंट हियर। a बार जो हमारे पास ऑलरेडी है, और ये बन जाएगा सॉरी ये b बार है जो हमारे पास, वो भी है c बार, और उसकी वैल्यू सॉरी मोड ऑफ a बार की वैल्यू 9 है, 3/7। तो कुछ इस तरह से हम मोड ऑफ सी बार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मोड ऑफ सी बार की वैल्यू, चलो ना सिंप्लीफिकेशन दे ही देते हैं, 16 माइनस मोड ऑफ सी बार स्क्वायर,
16 माइनस 9, 8 8 16 होता है वो हम सबको पता है, 8 2 16 होता है हम सबको पता है, तो ये बनेगा 16 माइनस 9, दैट वन इज नथिंग बट 7, सो 7 विल बी कट, सो आई कैन राइट दैट डायरेक्टली दैट विल बी 7, सॉरी दैट विल बी 3। चलो ये हो गया, तो मोड ऑफ सी बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। सर ये तो मोड ऑफ सी बार सी लगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमारे पास बहुत सारे तरकीब है, जैसे कि C बार इज इक्वल्स टू माइनस ए बार माइनस बी बार, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट सॉरी मोड कर देते और उसके साथ साथ उसका स्क्वायर कर देते तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ बी बार होल स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मोड ऑफ सी बार स्क्वायर दैट इज 13, ऑलरेडी आई हैव 13 स्क्वायर हियर, मोड ऑफ ए बार मोड ऑफ बी बार होल स्क्वायर एंड प्लस 2, वैसे तो माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल पाई माइनस ए कहलाएगा, दैट इज माइनस ए बार डॉट बी बार। चलो सॉल्व करते हैं, तो ए बार डॉट बी बार को सामने क्यों लेके आएंगे, और यहां पर ये मोड ऑफ ए बार, मोड ऑफ ए बार तो 9 प्लस 16 माइनस 13, तो 16 में से 3 निकालो तो सॉरी 13 निकालो तो 3, और ये बचेगा 11, मोड ऑफ ए बार 16 माइनस 33 ये 12 होगा, हाँ 9 11 12 11 30 10 11 और ये 12, सो मोड ऑफ ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू 16। वैसे भी है ही क्लियर, मोड ऑफ ए बार बी बार रख दो, 144 में से अगर माइनस 36 होते तो 108 कहलाएगा, तो हमारा आंसर कुछ हो गया। चेक करते हैं 14, 8, 36, 8, 14, 14 और 14, राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16, साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 17 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो ये पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन, तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखना अपना।